क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री पेज 23-5 विजुअलाइजिंग द नेशन विजुअलाइज माने टू सी द नेशन राष्ट्र को देश को देखना देश को राष्ट्र को एक स्वरूप में देखना एक रूप दे दिया जाए देश को देखने के लिए तो वह राष्ट्र का एक स्वरूप हो गया। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा था कि फ्रांस जर्मनी इटली इंग्लैंड इनका इतिहास आपने पढ़ा और कैसे संघर्षों के बीच में गुजरते हुए जर्मनी रूस और फ्रांस ने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की और इंग्लैंड ने कैसे कूटनीतिक ढंग से धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत उसके प्रभुत्व को स्थापित किया और उसके साथ रहने वाले स्कॉटलैंड आयरलैंड वेल्स आदि को अपने अधिकार में करके और अपना महत्व उनके ऊपर अपना प्रभुत्व उनके ऊपर जमा लिया। तो दिस वॉज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लिबरलिज्म द डेमोक्रेसी द फ्यूडल एंड द मॉनार्की हाउ देयर हैव बीन struggles among them and how after a great movement, struggle, war and diplomatic actions their democracy and national state was established. Now, the artists of the nation, they thought that the nation is to be seen in some pictures. The essence should be represented through the pictures. And therefore, they made the lady pictures, the pictures of the ladies in the shape of the country. In India also, Bharat ko bhi aapne dekha ki Bharat Mata ka ek swaroop diya gaya, aapke nakshe mein ek mahila banayi gayi hai, jinke haathon mein jhanda hai aur sar par taaj hai. इस तरह से भारत माता के चित्र को देखते हैं। ऐसे ही दूसरे देशों में भी दूसरे देशों के कलाकारों ने भी ये कल्पना की कि राष्ट्रों को एक मानवीय स्वरूप दिया जाए और उससे उनको व्यक्त किया जाए और लोग अपने राष्ट्र को उन मानवीय स्वरूपों में महिला रूपों में पहचाने और अपनी पहचान उस रूप में बनाए। तो दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ द आर्टिस्ट of the country and they gave some shape and how to visualize, how to see a nation, how to look a nation in a shape. This is the question and the answer. How the nations were given a shape and they are, what are the allegories or what are the symbols of the nations in the shape of the women. While it is easy enough to represent a ruler through the picture or a statue, किसी भी राजा या शासक को
किसी प्रतिमा या किसी चित्र के द्वारा प्रस्तुत करना तो आसान है। किसी राजा की एक प्रतिमा बना देना, एक स्टैचू बना देना या उसका एक चित्र बना देना, ये तो एक आसान सी बात है, क्योंकि उसका एक स्वरूप है, एक मानवीय रूप है उसका। लेकिन हाउ डज वन गो अबाउट गिव ए फेस टू ए नेशन, लेकिन कैसे किसी देश को एक फेस दिया जा सकता है, किसी राष्ट्र को कैसे स्वरूप दिया जाए, ये प्रश्न है। आदमी तो है, उसका चित्र बन सकता है, लेकिन राष्ट्र का कोई ऐसा स्वरूप तो है नहीं जिसे चित्रित कर दिया जाए। देयर इज नो शेप ऑफ नेशन, उसका एक नक्शा जरूर है, लेकिन कोई ऐसा चित्र उसका किसी आदमी के रूप में, किसी पशु के रूप में, किसी अन्य चीज़ों के रूप में तो है नहीं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रेट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब ए नेशन थ्रू द पिक्चर, थ्रू द मीडियम ऑफ पिक्चर। किसी राष्ट्र को किसी चित्र के रूप में व्यक्त करना ये थोड़ा कठिन है, और किसी राजा का चित्र बना देना तो बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू पोर्ट्रे द शेप ऑफ ए किंग और द स्टैचू ऑफ ए किंग, बट इट इज डिफिकल्ट टू गिव ए शेप टू ए नेशन। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन, और फिर लोगों ने विचार किया, चित्रकारों ने, 18वीं 19वीं शताब्दी के चित्रकारों ने राष्ट्र को एक मानवीय रूप में चित्रित करने का करने को सोचा। उन्होंने ये सोचा कि राष्ट्र को एक मानवीय स्वरूप दिया जाए, और इस रूप में एक रूप देकर के, मानव रूप देकर के उसे चित्रित किया जाए, मानवीय स्वरूप पर जाए, पर्सनिफाई टू गिव ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन। द नेशन इज टू बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द पिक्चर ऑफ ए पर्सन, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति के चित्र से किया जाए, उसको एक मानवीय स्वरूप दिया जाए। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री इफ इट वेयर ए पर्सन, दूसरे शब्दों में उन्होंने किसी देश का प्रतिनिधित्व एक मानव के रूप में किया, किसी राष्ट्र को एक मानव के रूप में चित्रित करने के बात सोची। दे थॉट दैट द नेशन इज टू बी पोर्ट्रेट जस्ट लाइक ए पर्सन, मानव के रूप में, मानव की मानवीय चित्र उसका बनाया जाए, मानव का स्वरूप दिया जाए। नेशन वे देर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स, और फिर राष्ट्रों को महिलाओं के चित्र में, महिलाओं के रूप में चित्रित किया गया, पुरुष के रूप में नहीं। द कंट्रीज वेयर देन पोर्ट्रेट देयर पिक्चर्स वेयर मेड इन फीमेल फॉर्म, महिला स्वरूप में उनका चित्र बनाया गया। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन द रियल लाइफ, और जो वह महिला का स्वरूप किसी देश के मानवीकरण के रूप में किया गया, वह कोई विशेष महिला नहीं थी, वो अस्तित्व में कोई विशेष महिला नहीं थी। किसी विशेष महिला को राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्र के रूप में चित्रित किया जाए ऐसा नहीं था। सामान्य महिला, सामान्य महिला का चित्र बनाकर उसे राष्ट्र के रूप में निर्धारित कर दिया, राष्ट्र के चित्र के रूप में निर्धारित कर दिया गया। देयर वॉज नो एनी स्पेशल फिगर ऑफ द कंट्री टू बी पोर्ट्रेट एज ए नेशन, कोई एक विशेष व्यक्तित्व नहीं था
किसी विशेष महिला का व्यक्तित्व नहीं था जिसे राष्ट्र के रूप में चित्रित किया जाए। दैट वॉज ए कॉमन लेडी टू बी पिक्चर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ। रादर जय जान प्रॉ रादर इन इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कॉन्क्रीट फॉर्म, बल्कि अपेक्षाकृत राष्ट्र के अमूर्त विचारों को एक मूर्त स्वरूप देने की प्रक्रिया अपनाई गई। किसी राष्ट्र का एक अमूर्त स्वरूप, उसका कोई स्वरूप तो है नहीं, फिर उसको स्वरूप दिया गया, कॉन्क्रीट शेप दिया गया, प्रत्यक्ष रूप दिया गया, उसका जो परोक्ष रूप था उसको एक प्रत्यक्ष रूप में चित्रित किया गया। कोई विशेष महिला का चित्र नहीं, बल्कि राष्ट्र के अमूर्त स्वरूप को या अप्रत्यक्ष स्वरूप को एक प्रत्यक्ष स्वरूप, एक कॉन्क्रीट शेप दिया गया। द आइडिया ऑफ नेशन वॉज गिवेन ए कॉन्क्रीट शेप। द आइडिया ऑफ नेशन विच वॉज टोटली एब्स्ट्रैक्ट, विच हैज गॉट नो एनी शेप, वॉज गिवन ए शेप ऑफ ए वूमन, एंड द वूमन वॉज नॉट एनी स्पेशल इन रियल लाइफ, बट दैट ऑल्सो वॉज एन इमेजिनरी, वो भी काल्पनिक महिला थी। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन। और वह यह है कि एक महिला का स्वरूप राष्ट्र का प्रतीक बन गया, महिला के रूप में वो राष्ट्र चित्रित किया गया। एक चित्र बना दिया गया महिला का और उसे कह दिया गया कि ये जर्मनी है, ये रसिया है, ये फ्रांस है, और एक ये जो है ब्रिटेन है। एक चित्र बना के कुछ विशेषताएं उसमें जोड़ दी गई, और उनके जब स्वरूप उनके भिन्न थे और उनको नाम दे दिया गया। द फीमेल फिगर्स वेर गिवन द नेम ऑफ द नेशन विथ सम स्पेशलिटीज। यू विल रिकॉल, आप याद करेंगे, आपको याद होगा दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि फ्रांस की क्रांति के समय की अवधि में आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगोरी टू पोर्ट्रे द आइडिया सच ए लिबर्टी जस्टिस एंड अ रिपब्लिक। आपको यह सब याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय कलाकारों ने विचारों को जैसे आज़ादी, न्याय, रिपब्लिक, गणतंत्र, इन सारे विचारों को चित्रित किया था एक प्रतीक के रूप में, महिला के प्रति एक प्रतीक के रूप में, महिला के चित्र को एक प्रतीक के रूप में चित्रित किया था इन अमूर्त विचारों को, जैसे लिबर्टी थी, कानून था या गणतंत्र था। लिबर्टी को उन्होंने एक महिला का रूप दिया, उसके हाथ में लाइट दिया और एक हाथ में सर्च लाइट दिया और एक हाथ में उसको कागज बंडल दिया, और जैसे इसको कानून को दिया उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, तो एक हाथ में तराजू है, बैलेंस है। तो ये न्याय को इस रूप में चित्रित किया। तो ये अमूर्त विचारों को पहले ही कलाकारों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ही अमूर्त विचारों को महिला के रूप में चित्रित किया था, जो आपने पहले ही पढ़ा है। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक हैव बीन गिवन ए शेप ऑफ एलईडी एंड दैट हैज बिकम द एलेगोरी ऑफ देयर आइडियाज। Those ideas were represented through specific objects.
आर सिंबल्स, और वे विचार किन्हीं विशिष्ट पदार्थों अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त किए गए थे। दो आइडियल्स, वे जो आदर्श थे, उनको किन्हीं प्रतीक के द्वारा अथवा किसी चिन्ह द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया। दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय सम, आइदर बाय सम सिंबल्स, सब एलिगोरिकल मैटर्स, आर बाय सम ऑब्जेक्ट्स, बाय सम थिंग्स। एज यू वुड रिमेंबर, जैसा आप याद करेंगे कि द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की पहचान, आर द रेड कैप, स्वतंत्रता आजादी की पहचान, लाल टोपी कर दी गई, लाल टोपी जो आजाद है वो लाल टोपी लगाएंगे, या जो लाल टोपी लगाया है ये लाल टोपी जो है आजादी का प्रतीक बन गया, आर द ब्रोकन चेन, या टूटी हुई श्रृंखला, अगर श्रृंखला या चेन जो है वो टूटी नहीं है तो आदमी बंधा है उसमें, और जब वो चेन टूट गई तो माने वो आजाद हो गया। तो कुछ विचारों को कुछ वस्तुओं से व्यक्त किया गया था, दीज वर द ऑब्जेक्ट्स, ये प्रतीक बन गए, टूटी हुई चेन प्रतीक बन गया आज़ादी का, या लाल टोपी आज़ादी की प्रतीक बन गई, वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड वूमन, एक अंधी महिला है, अंधी मुड़ी हुई महिला को के रूप में जस्टिस का न्याय को प्रतिनिधित्व किया गया, कैरिंग ए पेयर ऑफ वेज, जो तराजू लिए हुए हैं और तराजू और बटखरा जिसके साथ है, स्केल पैमाना और तराजू जिसके साथ है, ऐसी अंधी पट्टी लगी हुई महिला के द्वारा न्याय का प्रतिनिधित्व किया गया, और टूटी हुई चेन या लाल टोपी से आज़ादी को का प्रतिनिधित्व किया गया। दीज वेर द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस वॉज द पिक्चर, द ब्लाइंड वूमन हैविंग अ वे इन हर हैंड वॉज ए पोर्ट्रे ऑफ, वॉज ए पिक्चर ऑफ जस्टिस, एंड द ब्रोकन चेन एंड द कैप, दीज हैव बीन द सिंबल ऑफ लिबर्टी। दीज अब्सट आइडियाज वेयर रिप्रेजेंटेड बाई द ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स। सिमिलरली फीमेल एलेगोरीज वेयर इन्वेंटेड बाई द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। इसी तरह से जैसे आज़ादी जस्टिस को चित्रित किया गया, उसी तरह से फीमेल एलेगोरीज, ये महिलाओं का प्रतीक को खोजा गया, महिलाओं को प्रतीक रूप में खोजा गया बाय कलाकारों के द्वारा इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, टू रिप्रेजेंट द नेशन, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए। इसीलिए इसी तरह से 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने महिला स्वरूप का ईजाद किया, की खोज की। इन द 19th सेंचुरी द आर्टिस्ट फाइंड आउट द फीमेल एलेगोरीज टू पिक्चर द नेशन, टू गिव शेप टू द नेशन। इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टेंड मेरियन, फ्रांस में मेरियन, क्रिस्टेंड मेरियन, क्रिश्चियन मेरियना, मेरियन के रूप में ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो एक पॉपुलर लोकप्रिय क्रिश्चियन नाम है, मेरियन, दैट वाज ए पॉपुलर नेम इन फ्रांस, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए
पीपुल्स नेशन, जो जनता के राष्ट्र के रूप में, जनता के राष्ट्र के विचार के रूप में चिन्हित किया गया। माने लोकप्रिय नाम था मैरियाना, जो अपनी लोकप्रियता के कारण वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, तो वहां के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उसके अपनी लोकप्रियता के नाते मैरियन को ही फ्रांस के रूप में चित्रित किया गया, बिकॉज शी हैड बीन पॉपुलर एंड हैज रिप्रेजेंटेड द पीपुल ऑफ द नेशन, देयरफॉर हर शेप वॉज गिवन टू द शेप ऑफ नेशन। हर शेप वॉज पिक्चर्ड एज द नेशन, एज द पिक्चर ऑफ द नेशन। उसे ही राष्ट्र के चित्र के रूप में चित्रित किया गया, क्योंकि बड़ा लोकप्रिय नाम था और वह वहां के जन जन का प्रतिनिधित्व करती थी। हर कैरेक्टरिस्टिक वेयर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। द रेड कैप और उसकी पहचान जो थी उसको लिया गया लिबर्टी और रिपब्लिक से, और उसकी पहचान में जोड़ा गया स्वतंत्रता और गणतंत्र को, जो द रेड कैप लाल टोपी एंड द ट्राई कलर तिरंगा झंडा एंड कॉकेट कलगी, कलगी सर पर कलगी, हाथ में तिरंगा और सर पर टोपी लाल, ये तीनों जो हैं, लाल टोपी तो लिबर्टी का प्रतीक है और ये ट्राई कलर रिपब्लिक गणतंत्र का प्रतीक है, तो इन दोनों प्रतीकों को उसमें जोड़ दिया गया। टू दी पोर्ट्रेट ऑफ मैरियन, मैरियन के चित्र के साथ इनको जोड़ करके और फ्रांस फ्रांस के महिला स्वरूप को चित्रित किया गया। द फ्रांस वॉज गिवेन द शेप ऑफ ए लेडी एंड दैट पिक्चर वॉज ऑफ मैरियन हैविंग ए रेड कैप द सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड ट्राई कलर एंड कॉकेट द सिंबल ऑफ रिपब्लिक। स्टेटस ऑफ मैरियाना वेयर स्टैचू ऑफ मैरियाना वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट, टू आइडेंटिफाई विथ इट। स्टैचू ऑफ मैरियन, ये मैरियन का जो चित्र था, मैरियन की जो मूर्ति थी स्टैचू, वॉज इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, चौराहों पर लगा दी गई। पब्लिक स्क्वायर माने चौराहे, पब्लिक के स्क्वायर्स जो है जन चौराहों पर लगा दिया गया। टू रिमेंबर द पब्लिक ऑफ नेशन सिंबल, ताकि लोग वहाँ के पब्लिक, वहाँ की जनता अपने राष्ट्र के चिन्ह को याद रखे, अपने राष्ट्रीय प्रतीक को याद रखे, इसलिए उस स्टैचू को चौराहों चौराहों पर लगा दिया गया। और वो प्रतीक किसका था? ऑफ यूनिटी, वह राष्ट्र की एकता का प्रतीक था। उस राष्ट्रीय एकता के प्रतीक को की स्मृति में चौराहों पर इस राष्ट्रीय मानवीय स्वरूप को लगा दिया गया, ताकि लोग इसे याद रखें। एंड टू परसुएड देम, और उनको यह समझाने के लिए कि वे आइडेंटिफाई विद दी मैरियन, वे अपने को अपनी पहचान बना लें, मैरियन को अपनी पहचान बना लें, उनके साथ अपने को आइडेंटिफाई तादात में कर लें,
वो समझें कि ये हमारे राष्ट्र की प्रतीक हैं, इसको स्वीकार करें, अपनी पहचान बनाएं, इसलिए उनको लगा दिया गया सड़क चौराहों पर। मैरियन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन क्वाइंस एंड स्टैम्प्स, और इसी मैरियन के मूर्ति को, उसी स्वरूप को, उसके स्टैम्प्स मुहरों और सिक्कों पर भी लगाया गया। वही स्वरूप वहाँ के सिक्कों और मोहरों पर भी, वहाँ की जो मोहरें थी, दैट आल्सो वाज ऑफ द मैरियन सील एंड द क्वाइंस वेयर स्टैम्प्ड विथ द पिक्चर ऑफ मैरियन। सिमिलरली जर्मनी बिकेम द एलेगोरी ऑफ जर्मन नेशन, अरे जर्मेनिया। सिमिलरली उसी तरह से जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी, जर्मेनिया जर्मनी की, जर्मनी राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र की प्रतीक बन गई। जैसे ये मरियन फ्रांस की प्रतीक बन गई, उसी तरह से जर्मेनिया बिकेम द सिंबल ऑफ जर्मनी, जर्मन राष्ट्रों की प्रतीक जर्मेनिया बन गई इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और उसका जो स्वरूप दिया गया, जो उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जो किया गया, स्वरूपायित जो किया गया, वह जर्मनी वियर्स जर्मनी जर्मेनिया जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जर्मेनिया ओक पत्तों की ताज पहनती है। एज जर्मन्स ओक स्टैंड्स फॉर हेरोइज़म, क्योंकि जर्मन का ओक बहादुरी के लिए माना जाता है, बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको ओक का ताज पहना दिया गया जर्मेनिया को, और वही राष्ट्र की प्रतीक बन गई जर्मेनिया। द स्टैचू ऑफ जर्मेनिया, द शेप ऑफ जर्मेनिया बिकेम द सिंबल ऑफ जर्मन राष्ट्र, जर्मन कंट्री, जर्मन स्टेट्स। इट हैज गॉट ए क्राउन ऑफ ओक लीव, दिस ओक लीव रिप्रेजेंट हेरोइज्म, ब्रेवरी, एंड देयरफॉर जर्मन्स वेर वेरी ब्रेव, देयरफॉर दे गिव ए क्राउन ऑफ ओक लीफ टू जर्मेनिया हु रिप्रेजेंटेड देयर कंट्री, हुज फिगर रिप्रेजेंटेड देयर कंट्री।